हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त उजामा। आज मैं एक बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक पे बात करने जा रहा हूँ। इधर बहुत से क्वेश्चन पूछे गए हैं कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें। सभी को ऑलमोस्ट मैंने देखा है कि ये प्रॉब्लम हमें बार बार पूछी जा रही है मेरे से कि टाइम मैनेज कैसे किया जाए। आज मैं इसी बहुत महत्वपूर्ण मुद्दे पर आपसे बात करना चाहता हूँ। जब हम टाइम मैनेजमेंट के बारे में बात करते हैं तो जनरली हम स्टूडेंट जो है वो ये चीज नोटिस करते हैं कि हम उसके टाइम टेबल बना लेते हैं कि भाई सुबह 5 बजे उठेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, और एक हाइपोथेटिकल जो है एक काल्पनिक अपने लिए एक प्रेशर बना देते हैं, 8-9 घंटे पढ़ेंगे और उसको दीवार में चिपका देते हैं। होता क्या है कि इधर हम चिपकाते हैं, उधर की तरफ कभी मुंह नहीं करते और बार बार हमारे ऊपर एक जो है वो एक बोझ बन जाता है कि हम यार टाइम टेबल फॉलो नहीं कर पा रहे हैं, हमसे पढ़ाई नहीं हो पा रही है, और धीरे धीरे गिल्ट फीलिंग आती है। एक्चुअली में आपको ये समझना पड़ेगा कि टाइम मैनेजमेंट दो शब्दों से मिलकर बना है, टाइम और मैनेजमेंट, यानी कि जो समय आपके पास है उसका आप महत्तम उपयोग कैसे कर सकते हैं, यानी कि उन्हीं समय को आप अपने हिसाब से कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, यही टाइम मैनेजमेंट कहलाता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों से एक ऐसा मैजिकल मेथड डिस्कस करने जा रहा हूं जिसको अभी तक मैंने अपने जिस स्टूडेंट को ये बताया है या उसको ये सिखाया है उसकी लाइफ में बहुत सडनली जबरदस्त चेंज हुआ है। तो आज मैं आपसे एक नए तरह के टाइम टेबल के बारे में बात कर रहा हूं, तो वो मैनेज करने का बहुत इंपॉर्टेंट टाइम है। शुरुआत करते हैं, आप अपना एक जो है वो पर डे पढ़ाई का एक सेगमेंट तैयार करिए कि भाई मुझे इस हफ्ते जो है वो 4 घंटे या 5 घंटे, जैसे आपकी क्षमता, जैसे आपका टाइम है, उस पर आप तय करिए। हाइपोथेटिकल मत होइए कि मैं अचानक से 12 घंटे या 15 घंटे पढ़ूं, नहीं। अब अंदाजा लगे कि आपने जो है पर डे 4 घंटे पढ़ाई करने का एक लक्ष्य रखा, तो आप 6 दिन के हिसाब से कुल 24 घंटे पढ़ाई कर रहे हैं। गुड, बेसिक यही से शुरुआत करते हैं हम स्टूडेंट के लिए जो स्टेप बाय स्टेप चलना चाहते हैं। फिर दूसरी बात, अपना एक जो है वो एक अप्रॉक्स टाइम टेबल तय करिए अपने हिसाब से, कितने बजे आपको क्लास जाना है, कितने बजे आप सेल्फ स्टडी करने बैठ सकते हैं। अब जैसे आप एक डायरी रखिए, भले चाहे वो पुरानी ही क्यों ना हो, एक डायरी आपको रखनी पड़ेगी। उस डायरी में आप जो है वो कल, जैसे मान लीजिए आप सुबह 6 बजे उठना चाहते हैं, तो आप एक 6 बजे का टाइम तय करिए कि भाई मुझे 6 बजे उठना है। उसके बाद मान लीजिए आपको 10 से 12 पढ़ाई करनी है या 2 से 4 पढ़ाई करनी है, उसमें आप अपना एक फिक्स करके रख लीजिए जिससे आपका 4 घंटा मेंटेन हो जाए। अब मान लीजिए आप 6 बजे आपने लक्ष्य रखा और आप उठे 7 बजे, आप तुरंत उसके आगे जो मेंशन करिए डायरी में -1 आवर, मेरा 1 घंटे का नुकसान हो गया। इसका मान लीजिए आप जो है वो 12 बजे से लेकर 2 बजे तक पढ़ने बैठे, तो अभी आप क्या करते हैं, आप जो है 12 से 2 घंटा कैलकुलेट करते हैं कि मेरे 2 घंटे पढ़ाई हो गई। लेकिन होता क्या है कि हमारा दिमाग जो होता है वो ऑप्टिमली जो है वो यूटिलाइज नहीं कर पाते, कुछ आप सोचने लग गए, कहीं किसी वर्ड के साथ दूर चले गए, आपका कॉन्सेंट्रेशन काम नहीं कर रहा है। तो बिल्कुल ईमानदार रहिए अपने साथ, ईमानदारी आपके सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होना चाहिए। और यहाँ पर आपने मान लीजिए 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई की, तो केवल 1 घंटा 20 मिनट ही इस पर लिखिए, 2 घंटा नहीं कि भाई 12 से 2 मैंने पढ़ाई नहीं। अब अपने हिसाब से देख लीजिए कि आप कितनी बार पानी पीने के लिए उठे, कितनी बार वॉशरूम जाने के लिए उठे, आप उसको जो है माइनस कर दीजिए, यानी आपने 1 घंटा 20 मिनट पढ़ाई नहीं। इसके बाद एक बॉक्स बनाइए जिसमें आप जो है उस टॉपिक को लिखो, उस समय को लिखते जाइए जो बार बार आपके साथ जो है वो आपका टाइम फिल कर रहे। जैसे फोन आ गया और आपने 20 मिनट फोन पे बात की, आपके मोबाइल में रहता है उसमें आपने बता देता कितनी देर कॉल आई या कितनी देर आप सोशल मीडिया पर एक्टिव रहे, या आपने दोस्त ने आया, दोस्त बोला चलो भाई चाय पीने चलते हैं, थोड़ा सा घूम के आते हैं, और आप गए और आने जाने में आपका जो है वो 1 घंटा 45 मिनट कुछ बर्बाद हो गया, आप उसको लिख लीजिए और लिखते चले जाइए जितनी बार आप जो है अपना टाइम किल कर रहे हैं। सोने से पहले आप इस पूरे टाइम को कैलकुलेट कर लेंगे, राइट। आप इसको जोड़िए कि भाई एक इसी तरह आप मान लीजिए शाम को 4 बजे से 6 बजे तक पढ़ने बैठे और 1 घंटा जो है वो 20 मिनट फिर पढ़ाई की इसमें टोटल, तो आप इसको जोड़िए और यहां पर जो है आप मान लीजिए आपने इतनी पढ़ाई की, अब यहां पर आपका हुआ 2 घंटा 40 मिनट। अब आपका जो ये अचीवमेंट आया, आपने लक्ष्य रखा था 4 घंटे का, यानी आज के दिन में एक रेड बॉक्स बनाइए आप जो है माइनस जो है एक हिसाब से देखें तो 1 घंटा 20 मिनट जो है आपका माइनस जा रहा है। यही होता है टाइम मैनेजमेंट। तो अब आपको दो चीजें पता करनी है, इसको भी कैलकुलेट करके लिखिए, मान लीजिए 20 मिनट 45 मिनट इस तरह करके आप आज आपने 3 घंटा जो है वो वेस्ट किया जो आपको नहीं करना चाहिए था। तो आपको अब अपना टाइम क्लियर पता चल गया, ये पता चल गया कि कैसे मैनेज करना, और ये पता चल गया कि आज आप कितना पिछड़ रहे हैं। अब आप अगले दिन जो है सेम चीज फॉलो करेंगे, लेकिन अब आपके पास ऊपर एक बर्डन ये है कि यहां पर इस दिन के 4 घंटे को आपको पूरा करना है और पिछले वाला जो 1 घंटा 20 मिनट है उसको भी आपको कंप्लीट करना है। अब आपको ये पता चल गया कि मेरा टाइम किल कहां हो रहा है, आपने उसको जो है वो हटाया, अब आपने फोन बंद कर दिया, दोस्त से मिलना बंद कर दिया, और
उसके 4 घंटे और प्लस जो है पिछला एक जो है 20 वो अब आपके ऊपर प्रेशर क्रिएट होना शुरू हो गया, अब आपको करना है। साथ ही साथ दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है वो ये है कि जब मैं पढ़ने 2 घंटे बैठा तो किन कारणों से मेरे जो पढ़ाई केवल 1 घंटा 20 मिनट रही है, 1 घंटा 10 मिनट रही, मेरा जो कॉन्सेंट्रेशन है वो किधर जा रहा है, तो आप अब उसके ऊपर भी प्रेशर पड़ना शुरू हो गया। और यकीन मानिए जिस दिन आपने पूरी बारीकी से अपना 1-1 घंटा यूटिलाइजेशन करना शुरू किया, सफलता तो दुनिया की कोई ताकत रोक ही नहीं सकती आपकी। अब यहां पर क्या हुआ, आप इसी तरह जगह को मेंटेन करते चलेंगे और कोई दिन मान लीजिए ऐसा रहा जिस दिन आपने शून्य कोई पढ़ाई नहीं की, घूमते रहे इधर उधर कहीं चले गए, अब आपको ये तो पता चल गया कि आपके 0 डेज कितने हैं, अब आपको कैसे मेंटेन करना है। 6ठे दिन पे जो है आप इसको इवैल्यूएट करेंगे, समय देंगे 5-10 मिनट। अब आप देखेंगे कि आपका जो टोटल टारगेट था वो 24 घंटे का था हिसाब से, 4 घंटा पढ़ने के हिसाब से, और आपने मान लीजिए केवल जो है वो 21 घंटे पढ़ेंगे। अब ये पता चल गया कि आपका जो ये घंटा है पढ़ाई का उसमें आप -3 घंटे पीछे जा रहे हैं। अगर पीछे जा रहे हैं तो जो आपका संडे है जो छुट्टी आप एक दिन कोई मनाना चाह रहे हैं उसको मत मनाइए, और अगर ये लक्ष्य पूरा हो गया है तो आप छुट्टी के लिए निकल जाइए, एंजॉय करिए, बहुत जरूरी है ब्रेक आपके लिए, आप घूमिए फिरिए। इसके बाद अभी ये बात खत्म नहीं हुई है, अब इसको और प्रिसाइज करना है। ये कैसा टाइम टेबल, ऐसा मैजिकल टाइम टेबल है दोस्तों, आपको सोने नहीं देगा, आपसे आपका बेस्ट निकलवा के रहेगा। देखिए कैसे, एक ग्राफ पेपर खरीद के लाइए, 50 पैसे का ग्राफ पेपर आता है, और उस ग्राफ पेपर को जो है वो प्लॉट करिए ग्राफिक, उसमें जैसे आपने इस हफ्ते के लिए 4 घंटे का लक्ष्य माना था, आप इसमें 4 घंटे की लाइन खींच लीजिए, रेड थिक लाइन ड्रॉ कर लीजिए, इधर आपके घंटे होंगे और इधर आपका एक्स एक्सिस पे आपके दिन होंगे, तारीख 1 तारीख 2 तारीख 3 तारीख। अब एक तारीख को आपने मान लीजिए 2 घंटे पढ़ेगी, इसमें मार्क कर लीजिए, 2 तारीख को आपने 3 घंटे पढ़ाएगी इसमें मार्क कर लीजिए, 3 तारीख को आपने 5 घंटे पढ़ाएगी इसको मार्क कर लीजिए, 4 तारीख को आपने कोई पढ़ाई नहीं की 0 डेज। इसी तरह जो है आप पूरे हफ्ते का मार्किंग करते चले जाएंगे, जितनी मार्क्स जितने आपके पॉइंट्स आपके इस एवरेज 4 घंटे लाइन से कम होंगे उतनी ही आपको पता चल जाएगा कि आप कितना पीछे जा रहे हो। और यकीन मानिए जिस दिन आपने ये अपना छोटा सा एक जो लक्ष्य 4 घंटे पढ़ने का था उसको आपने जब प्राप्त करना शुरू कर दिया, आपका कॉन्फिडेंस 7वें आसमान पर पहुंच जाएगा, आपको कोई दुनिया की ताकत रोक नहीं पाएगी। उस दिन आपको लगेगा अरे 4 घंटे तो बहुत मामूली बात है, चलो इस हफ्ते हमारा टारगेट 5 घंटे का रहा, और जब 5 घंटे अचीव हो जाएगा 6 घंटे का, और करते 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 एक दिन वो भी आएगा जब आपके लिए 8 घंटे या 10 घंटे पढ़ाई करना बिल्कुल मामूली बात हो जाएगी, आपकी आदत का हिस्सा बन जाएगा। जिस दिन आप इतनी पढ़ाई नहीं करेंगे आपको लगेगा कि एकदम कोई चीज मेरे से छूटी हुई है। तो इस कंडीशन में अगर इस चीज को मेथड्स को फॉलो करते हैं तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं पाएगी। तो दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण बहुत मजेदार बात है ये, इस चीज को आप मेंटेन करिए। और रही बात आगे, अगर मैं कोई बात कहना चाहता हूं, एक गुरु जो होता है दीपक की तरह होता है, दीपक जो रोशनी देता है अंधेरों में, लेकिन इस दीपक को मशाल में कन्वर्ट करने की जिम्मेदारी आप लोगों की है। ये जो अगर मैं जो चीज आप लोगों को ये बताता हूं अपने अनुभव से, जो अपने एक्सपेरिमेंट्स करता हूं, ये सब तक पहुंचना चाहिए, उन दोस्तों तक पहुंचना चाहिए जो संसार में सकारात्मक परिवर्तन करना चाहते हैं, जिनको जरूरत है। तो मैं उन सभी छात्रों को इनवाइट करता हूं जो मेरी इस मशाल को थामने के लिए तैयार हैं, जो दूसरों की जिंदगी में सकारात्मक परिवर्तन लाना चाहते हैं, वो इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वो स्टूडेंट जो है मेरे व्हाट्सएप नंबर 8285894079 पर मुझे व्हाट्सएप करें कि सर हाँ हम सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव रहते हैं और हमारे अंदर वो एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर है और हम आपके इस वीडियो को, इस जो आपके एक्सपीरियंस है वो ज्यादा से ज्यादा तक शेयर करना चाहते हैं। तो दोस्तों जुड़े रहिए मेरे साथ, आपकी हर समस्या जो समस्या मेरे तक पहुंच रही है उनके समाधान करने के लिए मैं रात दिन प्रयासरत हूं।